और जिस तरह सीमा दीदी की बातों को सुनकर राजपाल सर गौरवान्वित होते हैं अंदर, उसी तरह हम नेगी सर की बातों को सुनकर गौरवान्वित होते हैं। और नेगी सर जिस कर्मठता से और जिस भय को छोड़कर अपनी बात रखते हैं, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम। मैं सही में पहला, अभी तक मेरा ये 4 मीटिंग हो गया, 4 मीटिंग में जब एक डिपार्टमेंट का कोई भी टीचर एकेडमिक काउंसिल का कुछ बोलता नहीं है और नेगी सर को हम लीड रोल देते हैं, इन्हीं से शुरुआत कराते हैं और बिल्कुल जज्बे से अपनी बात रखते हैं। तो नेगी सर, मैं सबके सामने फिर आपको पुनः बधाई देता हूँ कि आप जिस तरह अपनी बात रखते हैं, सेम जहां जिस तरह उन्होंने वहां बात रखी थी, वही बात, तनिक भी उसमें दुराव छुपाव नहीं किया उन्होंने, वही सारी बातें उन्होंने रखी। देखिए, आज अशोक जी ने बिल्कुल सही कहा। मैं आज अशोक जी का एक फेसबुक पोस्ट देख रहा था जिसमें शिव सेठ के लिए अब थिंक शिव सेठ थिंक सीएल, थिंक शिव सेठ थिंक सीएल की जो बात अशोक जी ने लिखा था, और वही चीज आज हमने देखा न्यूज़पेपर में और फेसबुक पे भी देखा। तो जो हमारी चिंता थी, जो हम 2017 में डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी ने खेफा की बात की थी, जिस प्राइवेटाइजेशन की बात की थी, जिसको लोग कह रहे थे कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है, वह अब हमारे सामने है। हमें किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र लिखते हैं, झूठ आज से नहीं अनंत काल से रथ पर सवार है और सच चल रहा है पांव पांव। भले ही हम पांव पांव चल रहे हैं, हम सच की बात कर रहे हैं और उस सच को हम अंतिम समय तक नहीं छोड़ेंगे। मैंने शुरुआत एसी की मीटिंग में 30 ईएल की मांग को की थी, लेकर की थी, कि जिस तरह नॉन टीचिंग को 30 ईएल मिलता है, वैसे ही 30 ईएल हमें मिले। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब सीमा दीदी ने उस बात को फिर से वहां उठाया तो शायद कमिटी बन गई। तो जिसकी शुरुआत हमने एसी की मीटिंग में लगातार हम करते रहे थे और उसको सीमा दीदी और राजपाल सर ने आगे बढ़ाकर आगे कराया, इसके लिए उन दोनों का बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, मैंने 14 साल एडहॉक पढ़ाया है और मैं किसी भी मीटिंग में एब्जॉर्प्शन के बिना कुछ रह ही नहीं पाता। उसके लिए लोग मुझे कुछ भी बोलते रहे, बल्कि एक किसी मेंबर ने कहा कि आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए, मैंने कहा बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करूंगा, जो मुझे बोलना है मैं बोलूंगा। एब्जॉर्प्शन कमेटी की मांग, हमेशा की तरह एब्जॉर्प्शन की बात से हमने अपनी बात रखी और हमेशा की तरह वाइस चांसलर का चुप रहना बहुत ही दुखद रहा। फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात, पिछली मीटिंग में भी मैंने अपनी बात जोरदार तरीके से फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात की थी और इस बार भी फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात की हमने, लाइब्रेरियन की बात की कि क्यों नहीं सभी लाइब्रेरियन को प्रोफेसर बनाया जा रहा है, क्यों फिजिकल एजुकेशन टीचर के जिन्होंने मार्च अप्रैल 2020 में जिन्होंने 2021 में जिन्होंने अप्लाई किया था प्रोफेसर के लिए, उनका अभी तक प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। साथ ही B1 और B2 को लेकर जब हम सीयू सेट का सिलेबस एक परफॉर्मा देख रहे थे तो उसमें स्पोर्ट्स जैसे सब्जेक्ट को NSS से ऑब्लिक कर दिया गया था। हमने उसको डिमांड किया और उन्होंने कहा कि हम इसे जरूर अलग करेंगे। हमने तो ये भी कहा कि आप स्पोर्ट्स को, फिजिकल जो सब्जेक्ट है उसको आप B1 में रखिए और उसके लिए वे तैयार भी, बातों से लगा कि शायद वो तैयार हो जाए, लेकिन कितना काम होता है वो देखने की जरूरत है। फिर हमने ये भी बात की कि कोरोना काल में मैंने तारीफ की उस समय VC की कि VC साहब, आपने जो स्टूडेंट कोरोना काल में एक्सपायर कर गए थे उनको आपने PhD की डिग्री दे दी उनके मरणोपरांत, तो क्यों नहीं मरणोपरांत ऐसे टीचर जो जिनका प्रमोशन ड्यू उड़ा
जिनका प्रमोशन 2014-15 में हो सकता था वो कोरोना काल में एक्सपायर कर गए, तो उनको आप क्यों नहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के 100वें वर्ष पे, स्थापना के 100वें वर्ष पे उनको क्यों नहीं आप प्रमोट कर दे रहे हो? शायद इस पर कुछ बात बढ़े आगे, इसको भी देखने की जरूरत है। 12 कॉलेज की सैलरी, मैंने कहा कि मैम सर आप अभी तो आपने दिला दिया 12 कॉलेज की सैलरी, लेकिन ना एलटीसी मिल रहा है ना मेडिकल मिल रहा है, और क्या गारंटी है कि 1 तारीख को फिर पुनः सैलरी मिल ही जाए? तो इस पर आपको बैठकर बात करने की जरूरत है। फिर मैंने कॉलेज से आए डिपार्टमेंट में जो टीचर हैं, भले ही वो 3-4-5 ही क्यों ना है, क्या गुनाह किया था नेगी साहब ने, मैंने इनका नाम लेके बात किया वहां पे, क्या गुनाह किया था कि ये कॉलेज छोड़ के डिपार्टमेंट में आ गए? क्यों नहीं आप इनको प्रमोशन दे रहे हैं? इनके साथ के कॉलेज के लोग प्रमोटेड होकर आगे बढ़ गए, तो इनकी गलती ये है कि डिपार्टमेंट में आ गए? इसी तरह एनपीएस की बात हमने जोर शोर से बात की, ग्रेजुएटी की बात की हमने, और ग्रेजुएटी के बिना हमने उन्हें बताया कि किस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रेजुएटी या एनपीएस पूरा मिल रहा है, यदि किसी को कुछ मिसहैविंग हो जाता है तो उन्हें पुराना पेंशन भी मिल रहा है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट मिल सकता है तो दिल्ली विश्वविद्यालय में क्यों नहीं? और मुझे राजेश झा जी ने समझाया था कि आपको इस तरह बात करनी है, सही वैसा ही हुआ। रजिस्ट्रार ने कहा हमें कि हमने चिट्ठी लिख दिया है, कोई चिट्ठी का जवाब नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि इस हाउस से आप रिजोल्यूशन पास कीजिए और उनको लिख कर दीजिए कि केवल एक रजिस्ट्रार की चिट्ठी नहीं है, ये पूरे एसी मेंबर की चिट्ठी है, और एसी मेंबर ने हाउस में कहा है इस पर आप जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम इस पर लिखेंगे। इसी तरह शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा और शब्द से मरहम। पीड़ा और मरहम की बात करते हुए फिर हमने उनसे एक बहुत ही जो आवश्यक चीज है उस पर बात किया हमने कि बीएलएड कोर्स में अब ठीक है राइडर नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता हूं राइडर नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसको हम डिग्री देंगे उसके लिए तो कुछ हो। बीएलएड पढ़ाने में जिसका एडमिशन हो रहा है वो कम से कम 2 लैंग्वेज तो पढ़कर आए, वो मैथ पढ़ के तो आए, लेकिन उस पर नहीं माना। एक चीज उन्होंने जरूर मान लिया कि एनसीटी में लिखा हुआ है कि 50% वाला, उस पर उन्होंने मान लिया और उसको करेक्ट भी कर लिया। मैंने कहा कि सर आप महामहिम हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक रामानुजन कॉलेज में बीबॉ की डिग्री नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो किस डिपार्टमेंट से किसी को पता ही नहीं है। मैंने बहुत जोर से पीएचडी का विरोध किया, जो एसओएल से पीएचडी होने वाला था, और हमारे विरोध के कारण वो डिफर भी हुआ और तुरंत वहां से हटा लिया गया कि पीएचडी एसओएल का प्रोग्राम नहीं होगा हमारा। देखिए नए कोर्स का हम विरोध नहीं करते, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे नए कोर्स जिसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है, फिर आप करते रहिए। मैंने उनसे कहा कि ठीक है एफएमएस की क्या जरूरत है, तो आप एमबीए करा दीजिए, एसओएल से करा दीजिए एमबीए, लेकिन करना उन्हें है, सुनना उन्हें है, बस यही सोचकर हर मुश्किलों से लड़ता हूं। धूप कितनी भी तेज हो समंदर सुखा नहीं करते, हम उस समंदर की भांति हैं, हम सूखेंगे नहीं, हम अपनी बात उठाते रहेंगे। इस तरह मेरे साथ कपिला जी भी थी, कपिला जी ने बहुत सारी बातों को वहां पर लिया, उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया हिंदी माध्यम क्रियान्वयन निदेशालय का, वो अब एक्टिव नहीं रहा। हम बात तो कर रहे हैं, लैंग्वेज की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जिस लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, जिस पढ़ने पढ़ाने की बात कर रहे हैं, कितनी किताबें हिंदी में उपलब्ध है, जो पहले ट्रांसलेट हुआ हो जाया करता था वह बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं देता।
इस तरह मैंने इनोवेशन प्रोजेक्ट की भी बात की थी। मैंने कहा आप भले ही किसी को, कुछ लोग गजराज कहा करते थे, लेकिन उन्होंने जो यूनिवर्सिटी में इनोवेशन प्रोजेक्ट का एक नया रूप लेकर आए थे, वह क्यों 2016 के बाद बंद हो गया? क्या जरूरत नहीं है कि किसी का कोई स्कोपस में जर्नल छपता है, स्कोपस जर्नल में किसी का कुछ छपता है तो उसको कुछ ना कुछ मिले? वैसे ही इनोवेशन प्रोजेक्ट क्यों ना मिले? चंद्र नेगी सर ने बहुत अच्छे से उठाया था जैम के बारे में, हम सबको उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। मैंने इनोवेशन प्रोजेक्ट की बात की, उसी तरह कपिला जी ने भी एक बहुत सुलभता मुद्दा उठाया। अभी पिछले फाइनेंस कमेटी में मैं जेएल गुप्ता सर अभी का भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, जैसे जो हम कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हुआ करते हैं, बर्सर हुआ करते हैं, उन्हें 400 रुपया मिला करता था, अब 400 से 4000 रुपया हो गया, बड़ा 400 से 3500 रुपया हो गया। जो कॉलेज के एओ थे जिन्हें पहले एक्स्ट्रा आने पे 400 कुछ रुपये मिला करता था, अब वो 1200 रुपया हो गया। तो उसी तरह कपिला ने रिसर्च, जो हमारे रेजिडेंट ट्यूटर हैं, वार्डन हैं, प्रोवोस्ट हैं, उनका रेमुनरेशन जो है बहुत ही कम है, जबकि वे 24/7 काम करते हैं, तो क्यों ना उनका रेमुनरेशन बढ़ाया जाए, उनको कुछ सुविधाएं दी जाए, इसको भी बहुत जोर जोर से उठाया गया। फिर कपिला ने एक और बहुत अच्छे से मुद्दा उठाया, वो कहा कि रोस्टर को लेकर, आज भी रोस्टर में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक एक कॉलेज के 3-3 बार रोस्टर यूनिवर्सिटी में आता है और वापस चला जाता है। उसके पीछे का तर्क था, कपिला जी ने बताया कि देखिए, यदि हम कॉलेज में ही अपने सारे लाइजन ऑफिसर को ट्रेंड कर दें, उन्हें बता दें कि हमें कैसे करना है, तो शायद ये समस्या ना हो। और कॉलेज में कैसे जो लाइजन ऑफिसर है उनको ट्रेंड किया जाए, उसके लिए एक प्रोग्राम किया जाए, इतने सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, एक प्रोग्राम और किया जाए, इसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से उठाया। और रिजर्वेशन को लेकर कि क्यों ना हॉस्टल में, सुधांशु जी ने भी उठाया था, कि सुधांशु जी ने भी बहुत अच्छे से रिजर्वेशन को उठाया था, और कपिला जी ने भी उठाया कि क्यों ना हॉस्टल में ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाए, और मिलना भी चाहिए, हर जगह जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। इसी तरह हमने आगे अपनी बात की, क्योंकि मैं कम समय लूंगा फिर, अभी ईएल वाली बात, हम लगातार 24/7 3 सालों से काम कर रहे हैं, जिसका 30 ईएल की बात, जो शायद कमेटी भी बनी, और हमने 12वीं परीक्षा को जिस तरह या सीयू से खराब कर रहा है, अभी नेगी सर ने बहुत अच्छे से बताया, अब आप देखिए कि 12वीं परीक्षा का कोई महत्व नहीं रह गया। आप कहते हो कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, मैं भी कहता हूं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन क्या पढ़ेगा? आके रटेगा? यदि किसी का बेसिक क्लियर नहीं है, जिस बच्चे को यह पता है कि 12वीं का नंबर से हमें कुछ होने वाला नहीं है, 10वीं की बोर्ड आपने खत्म कर दिया, 12वीं के बोर्ड का कोई महत्व नहीं रह गया, एमए के बाद एमए आप एक साल करके बीए के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर रहे हो, तो हम करना क्या चाहते हैं? यदि 12वीं का नंबर नहीं तो बच्चा क्यों 12वीं? वो तो 10वीं में आते ही अपनी थिंक ड्यू थिंक सीएल करना शुरू कर देगा। यदि ड्यू के बारे में सोचना है तो कैरियर लॉन्चर जाएगा, उसके बाद बहुत सारे लॉन्चर आ जाएंगे, लॉन्चर की कमी नहीं है, जो आपके सामने रटाएंगे और आपको एग्जाम दिलाएंगे। तो जो हमारा बेस है, क्रिएटिविटी है, वो कहाँ रह गया? जिस पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय जाना जाता है वो कहाँ रहा? और इसीलिए हमने सीयू सेट पे डाइसेंट दिया, बिल्कुल खुल के डाइसेंट दिया कि हम इस पे कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारा विरोध आप रखें। एक कोर्स है दिल्ली विश्वविद्यालय में बीएससी ऑनर्स इन फिजिकल एजुकेशन, उसको जब मैंने ध्यान से देखा, खैर उन्होंने तुरंत करेक्ट भी कर लिया उस चीज को,
अभी तक उसमें 50% जो मार्क्स होता था वह मार्क्स के ऊपर था और 50% आपके प्रैक्टिकल पे हुआ करता। अब यदि हम उसको एक पहले 70-30 करके आए, फिर 60-40 किया उन्होंने, लेकिन बाद में अंततः ये 50-50 इन्होंने कर दिया। क्योंकि जिस बच्चे को स्पोर्ट्स करना है, जिसको खेलना है, वह खेलेगा। क्योंकि खेल भी रहना, फिट होना भी जरूरी है। तो खैर इसको उन्होंने हमारी बात मान ली और उसको कर दिया 50-50, वहां पे तुरंत आ गया। इसी तरह R&D ग्रांट इनोवेशन की खैर बात कर दी सर ने। फिर हमने जो प्रमोशन पे जो चेहरा देखकर प्रमोशन की बात हो रही है, आज भी बहुत सारे कॉलेज में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। यह बहुत जरूरी है कि जिसका जो हक है उसको मिल जाए। हम बिल्कुल, कहीं तो प्रमोशन बहुत अच्छे से हो रहा है, कहीं पे उसकी सूद नहीं ली जा रही है। हमने मान की कि आप एक क्लेरिफिटी तो कीजिए कि जब पैनल चला जाए तो 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर वहां पे, मैं ऐसी जगह जानता हूं जहां पैनल गए हुए 6 महीने हो गए, पैनल जाने के बाद भी वहां इंटरव्यू नहीं हो पा रहा है। ये तो बिल्कुल दादागिरी है, चाहे किसी की भी दादागिरी हो, लेकिन दादागिरी नहीं होना चाहिए। फिर मैं, चूंकि 5 दिसंबर का लेटर संयोग से, उस समय मैं वाइस प्रेसिडेंट था, मैं लेटर लेके गया था उनके पास। मैंने उनको पढ़कर बताया कि आप एक क्या कह रहे हैं, या तो आप UGC की बात मान लीजिए, सरकार की बात मान लीजिए, या अपनी चला लीजिए। जब UGC लिख के दे रहा है कि जो एडहॉक काम कर रहा है उसको बुलाया जाएगा, फिर पॉइंट सिस्टम की कहां से बात आ गई? या तो आप UGC को मत मानिए। और क्योंकि मैं लेटर लेके गया था कि कोई बोले कि लेटर नहीं आया तो मैं उन्हें दिखा देता, लेकिन सबने माना कि लेटर आया हुआ है। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो पढ़ा रहा है, मैंने कहा कि उसमें लिखा हुआ है कि 30 दिन में EWSS का आ जाएगा, आप वो तो लेके आए नहीं। आज 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, 2 साल तो पूरे हो गए, 3 साल में हम चले गए। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी एडहॉक पढ़ा रहा है, क्योंकि तो हमने इस बात से उनकी शुरुआत की, उन्होंने कहा कि जो भी, हम सबको पता है कि जो नया आ रहा है स्कीम, सबको बहुत लुभावना लग रहा हो, लेकिन इसमें वर्कलोड तो जाएगा, जाना तय है। कोई कुछ भी कर ले, वर्कलोड कम होना जरूरी है। हमने उनसे कहा कि आप एक क्लियर लिखिए कि कोई भी एडहॉक इस 100 नए वर्कलोड के कारण डिस्प्लेस नहीं होगा। वो मान गए। मैंने कहा आप यहां लिख तो दोगे, जब आप UGC की बात नहीं मान रहे हो लिखे हुए बात को, तो कल आप पलट जाओगे तो हम क्या कर लेंगे? क्लियर UGC के लेटर में आप सबको पता है, क्लियर लिखा है कि कोई भी नहीं हटाया जाएगा। और हमें बोलने की जरूरत नहीं है कहां हटाया गया, कितने लोगों को हटाया गया, क्यों हटाया गया, यह बहुत आवश्यक है। आप भले ही अपना गुणगान कर लो कि ये सबको, इतने 30 वाले को, 60 वाले को, 65 वाले को हम बुला रहे हैं। अरे भैया, जब क्लियर UGC ने आपको लिख के दिया है, या तो आप उनसे बड़े हो जाओ। क्लियर लिख के दिया हुआ है MHRD ने कि जो पढ़ा रहा है उसके कितने भी पॉइंट हो, पॉइंट का जिक्र ही नहीं है, फिर आवश्यकता क्या है इसकी? तो हम तो उस विचार से आते हैं, हमने जिनसे सीखा है उनका यही कहना है कि वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं, वो मुझे कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। तो हमारी आत्मा जो है सदैव शिक्षकों की बात को उठाने के लिए है। क्योंकि हम किसी पार्टी वाटी की बात नहीं करते, हम केवल और केवल शिक्षक हित की बात करते हैं, शिक्षकों की बात करते हैं। और अपने चेयरमैन से आदित्य नारायण मिश्रा जी से हमने यही सीखा है, हम अकेले हैं, अकेले रहेंगे, लेकिन अपनी बात पर अडिग रहेंगे, हम उससे पीछे हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चाहे वो 5 दिसंबर का लेटर हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन कमेटी की मांग हो, एब्जॉर्प्शन की बात हो, प्रमोशन की बात हो, पेंशन की बात हो, हमने ईमानदारी से अपनी बात रखी और
न केवल रखी बल्कि अपनी बात सुनवाई भी। जब कोई बीच में बोल रहा था तो हमने कहा आप चुप हो जाइए और हमारी बात सुनिए, क्योंकि हम यहाँ सुनाने आए हैं, अपनी बात रखने आए हैं, हम आपको सुनने नहीं आए हैं। और लोगों ने हमारी बात को सुना भी। लेकिन सर ने बहुत अच्छा कहा, वहां पे जो प्रोफेसर लोग हैं, किसी प्रोफेसर के पास नंबर बढ़ाना, हमें नंबर बढ़ाना नहीं आता, बस आप लोगों को ठीक लगाओ तो गेन करने नहीं जाते, हम वहां अपनी बात रखने जाते हैं और अपनी बात अधिक होकर रखते हैं और मनवाते भी हैं, करवाते भी हैं, क्योंकि हम केवल और केवल शिक्षकों की बात करते हैं। अशोक जी आपने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया, हम ऐसे लोगों के साथ रहे हुए हैं, हमने वैसे एक्टिविटी को देखा है। 2002 में जब मॉडल एक्ट आया था, मैं आदित्य नारायण मिश्रा जी के साथ था, मैं इनको जमीन पर लेटते देखा है, अपनी बात को कैसे रखा जाता है इनसे सीखा हुआ है। और जो लोग हेफा कहते थे, डुटा की मीटिंग में कहते थे लोग कि हेफा वापिस हो गया, अब कैसे हेफा से लोन लेने की बात कर रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा। क्योंकि तो मैंने बहुत पहले आपसे जो कहा था कि झूठ आज से नहीं अनंत काल से रथ पर सवार है, लेकिन सच चल रहा है, भले ही वो पांव पांव चल रहा है, हम पांव पांव चलेंगे लेकिन अपनी बात जरूर रखेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद आलोक पांडे जी, आप हमेशा से ही, मैं सालों से सुनता आ रहा हूँ आपका एक्टिविज्म, आपके संवेदनशील और सक्रिय भागीदारी हमेशा ही डूटा के हर एक्शन प्रोग्राम में रही है और एएडी के फोर फ्रंट पे आप लोग हमेशा लड़ते रहे हैं। आप लोगों से हम लोग सीखते आ रहे हैं। आपने जितने भी इश्यूज उठाए हैं, चाहे वो लाइब्रेरियन का हो, सिलेक्टेड प्रमोशन इन कॉलेजेस हो, फिजिकल एजुकेशन टीचर का इश्यू हो, या कोरोना में जो लोग जान गंवा चुके थे उनके लिए प्रमोशन की आपने बात की हो, या फिर डिस्क्रिमिनेशन इन बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन का बात हो, रिसर्च ग्रांट की बात हो, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों ने, आपने सुधांशु जी ने, कपिला जी ने और नेगी साहब ने जो 5 दिसंबर लेटर का जो आपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए बात वहां पे मनवाई, वो बहुत ही एक सराहनीय कदम आप लोगों का था और उसके लिए हम आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कपिला जी ने जो इश्यूज उठाए थे, किसी वजह से आज कपिला जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाई है, वो आउटस्टेशन है, मैंने बता दिया था। हाँ, वो सारे इश्यूज हैं। उसके अलावा उन्होंने जो रिवाइज्ड रिमुनेशन ऑफ वार्डन, प्रोवोस्ट एंड